हाय चटोरियंस, हिंदुस्तानी खाना बहुत ही डाइवर्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के कारण। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेगिस्तान की तपती गर्मी और रेत से निकली हुई एक बहुत ही खूबसूरत से डिश, जिसको हम कहेंगे केर सांगरी। हाँ जी, तो राजस्थान थार डेजर्ट, जहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम मिलती है, वहाँ पे भी लोगों ने इस बहुत ही टेस्टी और यमी सी सब्जी को निकाल लिया है। तो देखिए, हमारे पास है सूखी केर और सूखी सांगरी। ये मैं राजस्थान से लाई थी, लेकिन अमेजोन की इसकी लिंक मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको हमें लगभग पूरी रात भिगोना होता है पानी में। तो ये हमारी एक रात पहले की केर और सांगरी जो है वो भीग चुकी है। मैं देखो आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये एकदम ऐसे सॉफ्ट सी चने के जैसे फूली हुई फूल जाती है। तो इस सब्जी के लिए हमने ली है प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और दही। हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी सब्जी है और मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लगता है, तो हम चलिए बनाते हैं। तो हमने लिया है तेल, सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें हमने जीरा और लाल मिर्च डाल दी है। मिर्च आप टेस्ट एज पर डाल सकते हैं, बट थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है ये। फिर इसमें हमने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट डाली है इंग्रेडिएंट्स की, आप आराम से उस पर क्वांटिटीज देख सकते हैं। फिर हमने इसमें 1 कप प्याज डाल दी है और फिर हम इसको जैसे हम नॉर्मल सब्जियों को बघारते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही प्याज को हल्का सा भूनना है। हल्की सी जब हमारी प्याज भुन जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे हमारा धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर इसको हम और भूनेंगे हमारे मसालों के साथ। और हाँ, नमक भी डाल दीजिएगा स्वाद अनुसार। तो ये हमारी जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था वो अच्छे से मसालों के साथ भुन गया था। फिर हमने अपनी जो सोक की हुई हमने केर और सांगरी रखी थी उसको हम मिला देंगे और इसको लगभग 2 से 4 मिनट के लिए इनको इन सारे मसालों के साथ हम भूंजेंगे। तो केर सांगरी जब हमने खाई और जब हमने उसके बारे में जाना कि कैसे थार डेजर्ट में जब वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ में भी लोगों ने इस सब्ज़ी को ढूंढा और इससे बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनाई अपने लिविंग के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस हर सिचुएशन को चैलेंज की तरह ले सकते हैं और उसमें भी अच्छे से जी सकते हैं। ओके, फिलॉसफी बहुत हो गई। तो ये ढकने के बाद 5 से 10 मिनट बाद हमारी केर और सांगरी जो है वो थोड़ी सी पक जाती है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा 1/2 कप दही। हाँ, तो टमाटर नहीं मिलाते हैं खटाई के लिए, क्योंकि वहाँ की जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो दही से ही आता है। तो हमने भी इसमें दही मिलाया है 1/2 कप दही, और फिर इसको हम अच्छे से चला लेंगे। दही को जब हम डालेंगे तो हम गैस को थोड़ा सा धीरे कर देंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं और सारी सब्जी में अच्छे से बिना लम्स के मिल जाए। तो दही को अच्छे से जब वो मिल जाता है ताकि कोई लम्स ना पड़े, हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, और फिर इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको ढका था और हमारी सारे मिक्सचर, सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं केर सांगरी में, और ये हमारी एकदम सिंपल सी, इजी सी केर सांगरी तैयार हो चुकी है। इसको आप किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं। हमने इसके लिए बाजरे की रोटी बनाई थी जो ऑथेंटिक राजस्थानी होती है। तो आप भी ऑर्डर करिए डिस्क्रिप्शन से और बना के देखिए और एकदम डिफरेंट टेस्ट लीजिए, अलग कहीं पे भी बैठ के राजस्थानी खाने का मज़ा लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप हमें ऐसे ही इंस्पायर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपने अगर अभी तक चटोरी हलवाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।